और मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। सो गाइस, आ गए हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में यार मैं आप सभी लोग को दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल लाइट की सेंसिविटी सेटिंग के बारे में। पूरी डिटेल में बताऊंगा कि भाई पबजी मोबाइल लाइट की सेंसिविटी सेटिंग किस तरीके से काम करती है। साथ ही गाइस, आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट तरीका नहीं बताऊंगा। जैसे गाइस, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि भाई आप ये सेंसिविटी कॉपी कर लो, आपके में जीरो रिकॉइल मोड एनेबल हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा नहीं। अगर गाइस आप ये सोच रहे हो कि गाइस आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट वगैरह कराने वाला हूँ अदर यूट्यूबर्स की तरह, तो भाई आप लोग बेशक ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो। भाई मैं किसी को भाई कॉपी पेस्ट करना नहीं सिखाता हूँ। भाई मैं आपको जेन्युइन तरीका बताता हूँ जिसको यूज़ करके गाइस आप खुद की पर्सनल अच्छी सेंसिटिविटी बना सकते हैं, जिसको यूज़ करके गाइस आप इजीली 3x, 6x, 4x, 2x का और भाई रेड डॉट से भी गाइस सुपर लेजर स्प्रे मार सकते हैं। जी हाँ गाइस, और गाइस आप किसी भी स्कोप का गाइस जीरो रिकॉइल मोड इनेबल कर सकते हैं। भाई काफ़ी सारे बंदे बोलेंगे भाई तू ये क्या बता रहा है। भाई मैं एकदम 100% रियल तरीका बताऊंगा, साथ ही गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में पूरी डिटेल दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस आप लाइक कर सकते हैं, ताकि गाइस मैं आगे भी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाता रहूं। और गाइस अगर आप पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो गाइस आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। जितनी भी गाइस हमारे पबजी मोबाइल लाइट में सेंसिटिविटी रहती है उन सभी के बारे में भाई अब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस सेंसिटिविटी सेटिंग को गाइस एक्सप्लेन करने के लिए गाइस यहाँ पर मैंने लगा लिया एक टीडीएम रिव्यूज का मैच। जैसे गाइस आप सभी लोगों को पता है गाइस हमारे न्यू अपडेट में गाइस टीडीएम वेयर हाउस को तो हटा ही दिया गया, टीडीएम रिव्यूज आ गया। तो गाइस इसी में गाइस मैं अब आपको बता देता हूँ कि गाइस सेंसिटिविटी की सेटिंग कैसे काम करती है, किस सेंसिटिविटी का क्या काम होता है। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर गाइस आप इजीली सेंसिटिविटी को समझना चाहते हैं। और गाइस अगर आप एक बार सेंसिटिविटी को समझ गए तो गाइस मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ गाइस आपको फ्यूचर में किसी भी यूट्यूबर की आगे सेंसिटिविटी से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी सेटिंग्स ओपन कर ली और गाइस यहाँ पर आ गए हम लोग सेंसिटिविटी में। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंसिटिविटी गाइस यहाँ पर तीन चार टाइप्स की होती है, कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक की, कैमरा सेंसिटिविटी, एडीएस सेंसिटिविटी और जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। सभी के बारे में गाइस मैं अब आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक की भाई यहाँ पर जीरो कर दी और यहाँ पर देख लो गाइस मैं यहाँ पर आई बटन से भाई ये वाली सेंसिटिविटी काम करती है। अगर गाइस आप लोग तो इसकी जीरो सेंसिटिविटी कर दोगे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा मूव किया है फिर भी नहीं हिल रही है। तो गाइस अब मैंने यहाँ पर इसकी सेंसिटिविटी 200 कर दी है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गाइस थोड़ा सा इसको मूव करा, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये मेरा कैरेक्टर मूव कर रहा है। और जो भाई हमारी सेकेंड सेंसिटिविटी होती है ना भाई कैमरा सेंसिटिविटी, तो भाई वो व्हीकल वगैरह की रहती है। जब गाइस आप लोग गाड़ी वगैरह में बैठे हो तब भाई वो वाली सेंसिटिविटी काम करती है। तो गाइस यहाँ पर मेरी आइडल सेंसिटिविटी 90 है, तो भाई मैंने यहाँ पर 90 कर दी है जो कि गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगती है। और भाई सेम टू सेम भाई ऐसी सेंसिटिविटी काम करती है सेंसिटिविटी और पैराशूट में जो गाइस आप आई बटन यूज़ करते हैं वो वाली सेंसिटिविटी। बढ़ते हमारी नेक्स्ट सेंसिटिविटी की ओर। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट सेंसिटिविटी है भाई कैमरा सेंसिटिविटी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कैमरा सेंसिटिविटी होती क्या है। तो गाइस यहाँ पर आपको मेरा फिंगर का भाई जो स्पॉट आ रहा होगा वाइट डॉट, मैं भाई स्क्रीन को जो मैं टच करके शेक कर रहा हूँ भाई जो भी मेरा मूवमेंट हो रहा है ये भाई कैमरा सेंसिटिविटी में आता है, जब तक गाइस मैं कोई फायर बटन को क्लिक ना करूँ, जब तक मेरी गन से फायर ना हो। तो गाइस अब मैं आपको सेंसिटिविटी नो स्कोप, तो गाइस जो नो स्कोप की सेंसिटिविटी अगर मैं जीरो कर दूँ तो भाई जो नो स्कोप सेंसिटिविटी होती है भाई वो हमारे क्रॉस एयर की होती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भाई नो स्कोप की जीरो सेंसिटिविटी कर दी है और भाई मैं इतनी ज़्यादा अपना फिंगर को भाई हिला रहा हूँ फिर भी भाई कुछ भी अफेक्ट नहीं हो रहा। मैं इसको 200 करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस मैं उतना ही गाइस अपनी फिंगर को रोटेट कर रहा हूँ, देख लिए गाइस कितनी ज़्यादा हमारी स्क्रीन मूव कर रही है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस आप अपने डिवाइस के हिसाब से गाइस इस सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। पहले गाइस मैं आपको सेंसिटिविटीज़ के बारे में बता दूं, तो भाई मैं यहाँ पर अपनी आइडल सेंसिटिविटी 150 रखता हूँ। गाइस जो भी आपकी आइडल सेंसिटिविटी हो गाइस आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ रेड डॉट की कैमरा सेंसिटिविटी। तो गाइस जैसे ही गाइस मैं यहाँ पर रेड डॉट सेट कर लिया भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली जो मेरी सेंसिटिविटी है उसमें गाइस देख सकते हैं इजीली हिल रहा है रेड डॉट, लेकिन गाइस जैसे ही मैं रेड डॉट की सेंसिटिविटी जीरो पर करता हूँ ना तो देखो भाई यहाँ पर मेरी फिंगर पे फोकस करो मैं कितनी ज़्यादा फिंगर को हटा रहा हूँ हिला रहा हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर रेड डॉट बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा है। ठीक उसी तरीके से गाइस अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी को फुल करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर गाइस मैंने इसको 200 कर दिया है, तो भाई मेरा थोड़ा सा ही मूवमेंट देखिए भाई यहाँ पर कितना ज़्यादा रेड डॉट पर मूवमेंट हो रहा है। सेम टू सेम गाइस इसी तरीके से सारे स्कोप के साथ गाइस कैमरा सेंसिटिविटी काम करती है। तो भाई मेरी आइडल सेंसिटिविटी गाइस मैंने यहाँ पर सेट कर दी है। ठीक इसी तरीके से गाइस अब मैं आपको 2x की करके दिखा रहा हूँ, ये भाई मेरी आइडल सेंसिटिविटी है, जितना मूवमेंट मैं चाहता हूँ ज़्यादा कम नहीं एकदम एक्यूरेट है। लेकिन गाइस जैसे मैं सेंसिटिविटी कैमरा सेंसिटिविटी 2x की जीरो कर देता हूँ देख लो भाई वही हाल 2x के साथ हो रहा है।
कि भाई कोई मूवमेंट नहीं। और अगर मैं इसको फुल कर दूँ ना भाई 200, तो देखना भाई तुम लोग क्या मतलब इफेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने 200 कर दी, तो देख लो भाई कितना ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है। तो भाई सेंसिटिविटी का यही रोल होता है, जितना ज़्यादा गाइस आप, ओ भाई क्यों मार रहा है, मतलब भाई जितनी ज़्यादा गाइस आप सेंसिटिविटी रखोगे उतना ज़्यादा आपका कैरेक्टर मूव करेगा, जितनी कम रखोगे उतना कम आपका कैरेक्टर मूव करेगा। और भाई लास्ट में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी दूंगा, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। सेम टू सेम गाइस इसी तरीके से सारे स्कोप की सेंसिटिविटी काम करती है, कैमरा सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं गाइस हमारी ADS सेंसिटिविटी के बारे में। जो गाइस हमारी ADS सेंसिटिविटी है भाई वो तब काम करती है जब हमारी गन गाइस फायर मोड में होती है। जैसे गाइस जैसे ही हमारी गन से फायर हो रहा है ना भाई, तब मैं इस कैरेक्टर को मूव कर रहा हूँ, तब भाई तब मैं अपने एम को शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, यही सेंसिटिविटी होती है भाई हमारी ADS सेंसिटिविटी। तो गाइस अब मैं आपको ADS सेंसिटिविटी के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले भाई हम अपनी क्रॉस हेयर की सेंसिटिविटी नो स्कोप की जीरो कर देते हैं। और भाई जैसे मैं आप देख सकते हैं फायर कर रहा हूँ भाई, मैं कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो भाई जैसे ही गन मेरी रीलोड में गई, मेरी कैमरा सेंसिटिविटी काम करने लगी। तो भाई आप सभी लोग को समझ में आ ही गया होगा कि भाई कैमरा सेंसिटिविटी और ADS सेंसिटिविटी में क्या फ़र्क है। ADS सेंसिटिविटी गाइस तब काम करती है जब गाइस हमारी गन फायरिंग मोड में हो, यानी हम फायर बटन को क्लिक करे हुए हों, और जब हम फायर बटन को क्लिक ना करें तो भाई कैमरा सेंसिटिविटी काम करती है। तो गाइस यहाँ पर मैं 200 करके दिखाता हूँ, तो भाई आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गाइस यहाँ पर मेरा क्रॉस हेयर मूव कर रहा है जब मैं फायरिंग कर रहा हूँ। तो भाई आप समझ ही गए होंगे ADS सेंसिटिविटी के बारे में। तो गाइस नो स्कोप की गाइस अब मैं अपनी आइडल सेंसिटिविटी 100 रखता हूँ नो स्कोप की, जो गाइस मेरे हिसाब से एक्यूरेट है, आप अपने हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में गाइस मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना रेड डॉट लगा लिया है, और भाई ये रही हमारी कैमरा सेंसिटिविटी, क्योंकि गाइस अब हम फायर नहीं कर रहे हैं। तो गाइस अब मैं देखना फायर करूँगा, तो गाइस आप देख सकते हैं ये भाई मेरी आइडल सेंसिटिविटी है जो कि गाइस मैंने सेट की है। अब मैं गाइस इस सेंसिटिविटी को रेड डॉट की ADS सेंसिटिविटी जीरो कर देता हूँ, तो गाइस अब देखते हैं भाई क्या इफेक्ट आएगा। तो भाई देख लो भाई मैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा अपनी फिंगर को क्लिक डाउन कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये देख लो एम ऊपर ही जा रहा है, मतलब भाई रिकॉयल देख लो, कुछ हमारा फायर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और भाई जैसे मैं इसको भाई 200 कर देता हूँ ना, मतलब यार ये तो मैंने फिलहाल आइडल सेंसिटिविटी कर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने 200 कर लिया, देखना भाई फायर कितनी जल्दी, मैं थोड़ा ही नीचे कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा नीचे हो रहा है, मतलब ये कुछ एक्यूरेट नहीं बैठ पा रहा है। तो भाई सिंपली गाइस आपको अब मैंने जो कुछ भी बताया भाई उससे मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में गाइस मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपको सेंसिटिविटी ना ही ज़्यादा रखनी है ना ही काफ़ी ज़्यादा कम रखनी है। और भाई लास्ट में आती है गाइस हमारी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस मैंने ADS सेंसिटिविटी कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में गाइस आपको डिटेल में बता दिया, और जायरोस्कोप के बारे में गाइस मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूँ। तो गाइस जब भी हम गाइस अपने फ़ोन को टिल्ट वगैरह करते हैं ना गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी टच स्क्रीन पर गाइस आपको एक ही डॉट दिखाई दे रहा होगा जो कि गाइस मेरे फायर बटन का है, और बाकी का गाइस मैं एम वगैरह अपनी फिंगर मतलब क्या ही बोलता हूँ भाई, फ़ोन को टिल्ड करके अप एंड डाउन करके गाइस एडजस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस इसी को बोलते हैं भाई जायरोस्कोप, जब गाइस हम अपने स्क्रीन को बिना टच किए गाइस रिकॉयल को कंट्रोल करें, और गाइस काफ़ी ज़्यादा रिकॉयल कंट्रोल हो जाता है हमारे जायरोस्कोप की मदद से। सो गाइस आज की इस वीडियो में गाइस मैंने आपको गाइस कैमरा सेंसिटिविटी और भाई कैमरा फ्री लुक जो कि गाइस हमारी आई बटन की सेंसिटिविटी होती है उसको गाइस मैंने काफ़ी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया, और गाइस काफ़ी सारे बंदों को समझ में आ गया होगा कैमरा सेंसिटिविटी कैसे काम करती है, मतलब कैमरा सेंसिटिविटी और फ्री लुक जो कि गाइस हमारी आई बटन की सेंसिटिविटी है वो कैसे काम करती है। तो गाइस अब मैं आपको बता दूँ एक छोटा सा स्टेप जो कि गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी खुद की आइडल सेंसिटिविटी को बनाने की खातिर। तो गाइस सबसे बड़ी बात गाइस आपको सेंसिटिविटी ना ही कम रखनी है ना ही ज़्यादा, ये गाइस सबसे बड़ा पॉइंट है। और गाइस आपको सेंसिटिविटी आपको अपनी डिवाइस के हिसाब से ही रखनी है। अगर गाइस आप मेरी सेंसिटिविटी कॉपी कर लोगे तो गाइस ऐसा हो सकता है कि गाइस ये आपके डिवाइस में परफेक्टली वर्क करे और वर्क ना भी करे, क्योंकि गाइस मेरा डिवाइस और आपके डिवाइस में कुछ ना कुछ तो अंतर होंगे, डिस्प्ले वगैरह का साइज़ का अंतर होगा। तो गाइस सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है गाइस जो जिन जिन डिवाइसों में गाइस आपको स्मॉल डिस्प्ले देखने को मिलती है गाइस आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा रखनी है, इतनी भी नहीं कि गाइस आप लोग पूरी 200 कर लो। आप सभी लोगों को पता ही होगा गाइस 200 पर कितना ज़्यादा गाइस आपका एम सेक करता है। तो गाइस इसलिए कोशिश करो गाइस आप मीडियम सेंसिटिविटी अप्लाई करो, ज़्यादा हाई ना अप्लाई करो, मतलब गाइस आपको अपने डिवाइस के हिसाब से। अगर गाइस आपको लगे कि गाइस इस सेंसिटिविटी में, जैसे गाइस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गाइस 150 सेंसिटिविटी लगी है तो करी है फॉर एग्जांपल अप्लाई कर दी है 2x की, और गाइस मैं उसको अप्लाई करके यूज़ कर देख रहा हूँ और मेरा एम काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा है, मतलब मेरी फिंगर से काफ़ी ज़्यादा एम शिफ्ट हो रहा है। तो गाइस मैं उसको गाइस 10 करके सेंसिटिविटी डिक्रीज़ करूँगा, और गाइस अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने 90 की है और गाइस आपका एम बहुत कम हिल रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि गाइस
एम काफ़ी देर में शिफ्ट हो रहा है, तो गाइस आप चाहें तो गाइस उसको 10-10 करके बढ़ा सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको अपनी खुद की आइडल सेंसिविटी कैसे बनानी है। और गाइस मैं आप सभी लोगों को एक और बात बता दूँ, प्लीज़ किसी की सेंसिविटी कॉपी मत करो, ट्राई करो खुद की आउन सेंसिविटी बनाने की। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भाई भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लेना। तो गाइस अप्रॉक्स यार यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि गाइस जायरोस्कोप पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो गाइस कमेंट बॉक्स में जायरोस्कोप टाइप कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर गाइस।